सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा किस्म का पौध आप बनाएंगे। हमारी संस्थान से विकसित सफ़ेद कंद कलर की किस्म में पूसा वाइट राउंड भी अच्छी चलती है। इसके अलावा भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर जो कि प्याज अनुसंधान क्षेत्र पुणे से विकसित हुई है, वो भी अच्छे से चलती है। पहले पौधशाला के लिए आपको खेत की चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे खेत चुनिए जहाँ पे बीमारियों और कीड़े की प्रकोप ना हो। इसके चुनने के बाद आपको वहाँ पे शेड नेट की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जुलाई के महीने में हम इसकी पौध तैयार करते हैं, इसीलिए तापमान कम करने के लिए हम शेड नेट के इस्तेमाल करते हैं। लगभग 75% शेड नेट हम यूज़ करते हैं, और जो शेड स्ट्रक्चर है हम उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं। इसमें आपको वेंटिलेशन या हवा चलाचल भी अच्छी होगी और उसमें उमस नहीं बनेगी, तो आपको जो पौधे है उसको बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। जब अपने शेड नेट बना लिए उसके बाद आपको बेड तैयार करना पड़ेगा। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप रेज बेड, ताकि जो बेड जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम इसकी लंबाई लगभग 3.5 से 4 मीटर रखते हैं और चौड़ाई जो है 1 मीटर के आसपास रखते हैं, ताकि आप दोनों तरफ से बैठ के निराई गुड़ाई या जंगल सफाई जो आदि काम आसानी से कर सकते हैं। बेड तैयार करते हैं उसमें 30 स्क्वायर मीटर में 5 ग्राम DAP और 5 ग्राम पोटाश अच्छे से मिला लीजिए। जब बेड अच्छी तरह से लेबलिंग हो जाती है उसके बाद आप ध्यान रखिए उसमें कुछ रोड़ी ना हो। बेड बनने के बाद आपको उसकी अंदर लाइन खींचनी है। लाइन की जो दूरता है 2 उंगली के बराबर, जैसे 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रखिए, और 2 उंगली से आप लाइन खींचिए और लाइन ज़्यादा गहरे मत खींचिए। जब अपने लाइन खींच लिए उसके बाद आपको आता है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए आप बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो सीड में अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सीड में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको लाइन पे गिराइए। लाइन पे गिराने समय ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा घना भी ना हो, क्योंकि बहुत घना होने से पौधे में एक दूसरे से कंपटीशन होती है और उसमें पौधे की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। अब आता है इसको मल्चिंग करना। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका नमी को पकड़ कर रखता है और टेम्परेचर को भी कम करता है। मल्चिंग के लिए हम ज़्यादातर से सूखी घास यूज़ करते हैं। सूखी दूब घास बहुत अच्छा माना जाता है। जब दूब घास की आप चुनौती करेंगे, ये बात ध्यान रखिए जो दूब घास आप ले रहे हैं ये कभी दवाई से मरी हुई घास ना हो। जब आपने अच्छे से ढक दिए उसके बाद आप इसमें पानी दे दीजिए, ताकि वो जर्मिनेशन में मदद करे। को सुबह 10-11 बजे के एक आसपास एक बार, और शाम को 5-6 बजे के बाद एक बार देना पड़ेगा पानी। पानी देते समय ये बहुत ध्यान रखिए मिट्टी कभी गर्म नहीं होना चाहिए। मिट्टी 35 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा और उस टाइम आपने पानी दे दिया तो आपकी नर्सरी में बहुत नुकसान होगा। डैम्पिंग आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। अब ऐसे करने के बाद आप उम्मीद करते 5-6 दिन के बाद उसमें अंकुरण दिख जाएगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, आप मल्च को हटा लीजिए। उसके बाद जो कूड़ा है, घास की कूड़ा, उसको सफाई करने के बाद उसमें आप रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल के अच्छे से मिक्स करके नर्सरी में डालिएगा। ये डालने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। 10-15 दिन लगातार आपको सुबह, दोपहर और शाम को पानी देना पड़ेगा, ताकि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। और 15-20 दिन के बाद आप ह्यूमिक एसिड 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे के पौधे में दे सकते हैं, ताकि पौधे थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसका और 15-20 दिन के बाद आप सुजाला 1919 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे के भी ऊपर से फुहारा से स्प्रे कर सकते हैं। और बीच में अगर आपको जंगल हो गया, 2 लाइन के बीच में से आराम से वीड को निकाल दीजिए। 1-2 बार आप होइंग कर दीजिए, ताकि आपको जो रूट जोन है जाड़ों के पास थोड़ा सा हवा चले, क्रॉप ग्रोथ और अच्छी हो जाए। 50-55 दिन के बाद ये खेत में लगाने लायक हो जाएगा, और ये पौधा आप अपने खेत में भी लगा सकते हैं। अगर चाहे तो आप अपने घर में भी किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पत्ते ऊपर से सूखता हुए जा रहा है और नीचे से उसकी जड़ बिल्कुल नहीं है, या फिर जो आपका लाइन है, लाइन के बीच से कुछ पौधे सूख रहा है और वो दोनों तरफ फैल रहा है, ये आपका सिम्टम है डैम्पिंग ऑफ के लिए। इसके लिए आप बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर में डालिए और ड्रेंचिंग कीजिए, और 7 दिन के बाद फिर कैप्टन 2 ग्राम प्रति लीटर में डाल के फिर से स्प्रे कीजिए, और बीच में एक बार रिडोमिल गोल्ड 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रे कीजिए।